आज हम मेमोरी के बारे में, आगे के बारे में बात करेंगे। कल मैंने आपको मेमोरी के बारे में बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम बात कर रहे थे कि सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मैंने बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपकी मैग्नेटिक टैप आती है, आपकी मैग्नेटिक डिस्क आती है, ऑप्टिकल डिस्क आती है। मैग्नेटिक टैप में के बारे में मैंने बताया, मैग्नेटिक डिस्क के बारे में बताया और ऑप्टिकल डिस्क के बारे में मैंने बताया। और उसके साथ साथ मैंने कल आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है उनको डेटा को एक्सेस करने के बेसिस पे दो कैटेगरी में बांटा होता है, एक सिक्वेंशियल एक्सेस होता है और एक डायरेक्ट एक्सेस होता है। यही बताया कि सिक्वेंशियल एक्सेस की का मतलब डेटा जिस क्रम में लिखा होता है उसे उसी क्रम में ही प्राप्त किया जाता है, हम डायरेक्टली उस डेटा पे एक्सेस नहीं कर सकते। और डायरेक्ट एक्सेस में हम डेटा को डायरेक्टली हम रैंडमली उस डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। सिक्वेंशियल एक्सेस में मैंने बताया था कि आपकी मैग्नेटिक टैप जो होती है वो सिक्वेंशियल एक्सेस की कैटेगरी में आती है, डायरेक्ट एक्सेस में आपकी मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क आती है वो इसके कैटेगरी में आती है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो देखिएगा कल मैग्नेटिक टैप के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था और हार्ड डिस्क जो थी एसएसडी थी और मैग्नेटिक डिस्क थी, इसमें एसएसडी के बारे में हमने डिस्कस किया था और हार्ड डिस्क के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी। आज हम बात करते हैं एफडीडी के बारे में जिसका नाम होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। देखिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के बारे में हम बात करें तो देखिए फ्लॉपी डिस्क का चलन आज प्रेजेंट टाइम के अंदर इसका बंद हो चुका है, क्योंकि इसके पीछे रीजन भी काफ़ी था कि फ्लॉपी डिस्क के अंदर बहुत कम डेटा स्टोर किया जाता था। आज तो प्रेजेंट टाइम इसका यूज नहीं होता है और फिर भी इसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देखिए किस तरीके से पूछे जाते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के, इसे बोलते हैं हम FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो देखिए इस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को हम एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम होता है डिस्कैट। इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्कैट बोलते हैं। कई बार एग्जाम में आ भी जाता है कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को क्या बोलते हैं, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को हम डिस्कैट के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें तो देखिएगा फ्लॉपी डिस्क से एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिएगा फ्लॉपी डिस्क को हम डिस्कैट के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार फ्लॉपी डिस्क का एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन बनता है कि फ्लॉपी डिस्क की साइज से क्वेश्चन पूछा जाता है, साइज कितनी कितने साइज की आती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी जो साइज होती है वो देखिएगा कि वैसे दो कैटेगरी में डिवाइड की होती है, एक तो माइक्रो फ्लॉपी होती है और एक मिनी फ्लॉपी होती है, दो कैटेगरी में बांटी बांटी होती है, जिसके अंदर एक तो आती है आपकी 3.5 इंच की आती है, एक आती है 5.25 इंच की फ्लॉपी आती है, ठीक है, एक 8 इंच की फ्लॉपी भी आती है। इस तरीके से आपकी ये तीन कैटेगरी में बांटी होती है, एक माइक्रो और एक मिनी फ्लॉपी। एक्चुअल में जो माइक्रो फ्लॉपी होती है वो आपकी ये जो 5.25 वाली है वो माइक्रो, आपकी 3.5 इंच वाली माइक्रो होती है, और ये मिनी वाली जो होती है आपकी 5.25 वाली मिनी फ्लॉपी कैटेगरी में आती है। अब देखिए आगे हम बात करें तो देखिएगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि 3.5 इंच की फ्लॉपी होती है उसके अंदर कितना डेटा स्टोर किया जाता है। तो 3.5 इंच की जो फ्लॉपी होती है उसके अंदर देखिएगा आपका डेटा आता है 1.44 MB, 1.44 MB आता है। देखिए ये जो चीज़ मैंने जो आपको बताई है 1.44 MB होता है, ये आपकी साइज होती है जो 3.5 इंच के अंदर होती है। लेकिन इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिएगा कोई भी जो आपकी डिवाइसेस होती है, आपकी हार्ड डिस्क हो चाहे आपकी फ्लॉपी डिस्क हो, देखिएगा उसके अंदर एक शब्द मैंने होता है, सिर्फ एक तो होती है फॉर्मेटेड साइज और एक होती है अनफॉर्मेटेड साइज होती है। कि देखिए कि कल मैंने आपको हार्ड डिस्क के बारे में बताया कि हार्ड डिस्क में ट्रैक होते हैं, सेक्टर होते हैं, फ्लॉपी डिस्क के अंदर भी ट्रैक और सेक्टर्स होते हैं। इसके बारे में देखिए कि जो ट्रैक और सेक्टर बनते हैं वो ट्रैक और सेक्टर बनने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेटिंग होती है, इस फॉर्मेटिंग के बारे में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जो फॉर्मेटिंग होती है उस फॉर्मेटिंग को हम दो तरीके से करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कंप्यूटर को फॉर्मेट करके, तो आपने देखा कि दो फाइल फॉर्मेट होते हैं जिसके द्वारा हम कि फाइल को हम इस्टेब्लिश करते हैं, मेंटेन करते हैं। इसके अंदर एक तो आता है आपका FAT और एक आता है NTFS। ये दो शब्द मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये दोनों शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म काफ़ी दफ़े पूछी जाती है। जहाँ पे फैट की बात की जाए तो फैट की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। फैट की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल एलोकेशन टेबल। और NTFS की फुल फॉर्म होती है न्यू न्यू टेक्नोलॉजी
न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। फैट होता है फाइल लोकेशन टेबल, और NTFS होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये आपके फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, जो आपके फाइल सिस्टम होते हैं जिसे फाइल को मेंटेन किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है फैट की और NTFS की। तो यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग से कुछ रिलेटेड जो बातें थी मैंने आपको बताई। देखिए यहाँ पे मैंने एक शब्द यूज किया, एक तो फॉर्मेटेड साइज होती है, अनफॉर्मेटेड साइज होती है। कि हम मार्केट से कोई भी डिवाइस लेते हैं तो अनफॉर्मेटेड आती है, जिसे हम इसको कंप्यूटर में डेटा जो उसको फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेटेड साइज, कुछ अनफॉर्मेटेड साइज कुछ अलग होती है और फॉर्मेटेड साइज कुछ अलग होती है। आपने हार्ड डिस्क में भी देखा होगा कि हार्ड डिस्क आप 500 GB के लाते हो तो जैसे उसमें डेटा को आप डेटा डालते हो या आप उसमें कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हो तो उसकी जो फॉर्मेट करने के बाद में जो साइज होती है वो कम हो जाती है। तो देखिए फॉर्मेटेड जो ये 1.44 MB होती है, ये आपकी फॉर्मेटेड साइज नहीं होती है, अनफॉर्मेटेड साइज होती है। फॉर्मेटेड साइज होती है वो आपकी 1-2 MB होती है। तो ये कभी पूछ लेता है एग्जाम में, वैसे आता है, अभी तक मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा नहीं है कि वैसे यही पूछा जाता है कि 3.5 इंच की जो फ्लॉपी होती है उसकी साइज कितनी होती है, तो उसकी साइज होती है 1.44 MB होती है। ठीक है, ये भी पूछ ले कि फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड पूछ ले तो फॉर्मेटेड साइज होती है आपकी 1.2 MB होती है। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो एक होती है आपकी 5.25 इंच वाली फ्लॉपी होती है। 5.25 इंच की जो फ्लॉपी होती है वो फ्लॉपी होती है वो आपकी 1.25 MB डेटा होता है उसके अंदर स्टोर्ड किया जाता है। 1.25 इंच वाली फ्लॉपी होती है। 8 इंच वाली जो फ्लॉपी होती है उसके अंदर हम डेटा होते हैं वो आपके 80 KB तक का डेटा इसके अंदर स्टोर किया जाता है। आपकी 8.5 इंच वाली हो, जरा 8 इंच वाली में 80 KB बता रहे, 350 KB की भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपकी 8 इंच वाली फ्लॉपी होती है। ठीक है, बहुत पहले यूज की जाती थी 8 इंच वाली, उसके बाद आपकी 5.25 आई थी। 5.25 की अंदर ही बहुत सी कैटेगरी थी, इसके अंदर सिंगल साइड सिंगल डेंसिटी, डबल साइड डबल डेंसिटी, सिंगल डबल साइड सिंगल डेंसिटी, इस प्रकार से इनकी अलग अलग साइजेस थी, बहुत सारी ऐसी साइज में थी, उनके बारे में सबसे क्वेश्चन ही बनता। मोस्ट ऑफ ये दो जो मैंने आपको बताया इनकी कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 3.5 इंच की फ्लॉपी कितना डाटा स्टोर करती है, वो 1.44 MB स्टोर करती है, 5.25 वाली फ्लॉपी होती है वो 1.25 MB डाटा स्टोर करती है। 8 इंच के बारे में तो पूछा नहीं गया, फिर भी आपको बताऊं 8 इंच होती है वो 80 KB तक का डाटा इसके अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये आपकी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के बारे में बात है। बेसिकली और बात करें तो इस फ्लॉपी डिस्क के बारे में कि देखिएगा ये जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है, इस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से जो और तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए, एक माइलर की बनी होती है, इसके अंदर भी आपके ट्रैक और सेक्टर होते हैं, और एक सेक्टर के बारे में मैंने बताया था कि एक सेक्टर में जो डेटा होते हैं वो 512 बाइट डेटा स्टोर किए जाते हैं एक सेक्टर के अंदर। आगे हम बात करें तो देखिएगा कि ये जो हार्ड डिस्क और जो फ्लॉपी डिस्क होती है उससे एक क्वेश्चन और बनता है कि एक इनकी जो स्पीड होती है, इस स्पीड को मेजरमेंट करने की इकाई होती है, इसको बोलते हैं हम RPM। उसको क्या बोलते हैं हम? RPM बोलते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट, या आपकी रोटेशन पर मिनट या रिवोल्यूशन पर मिनट के नाम से जाना जाता है RPM। तो कई बार पूछ लेता है कि फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी RPM कितनी होती है, तो फ्लॉपी डिस्क की RPM होती है 350 से लेके 400 RPM तक की इसकी RPM होती है, रोटेशन पर मिनट रिवोल्यूशन पर मिनट के नाम से आता है। 350 RPM या 350 से लेके 400 तक RPM, मोस्ट ऑफ ये 360 या 350 तक की RPM बोली जाती है। हार्ड डिस्क की होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हार्ड डिस्क की जो RPM होती है वो 3600 से लेकर 7200 RPM तक की कैटेगरी में रखा जाता है। तो कभी कभार इसकी RPM के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि RPM होती है जो हार्ड डिस्क, जो फ्लॉपी डिस्क होती है, उस फ्लॉपी डिस्क की जो स्पीड होती है उसको मेजरमेंट करने की इकाई होती है वो RPM होती है, जो RPM आपके सामने मैंने आपको बताई है। वैसे मोस्ट ऑफ ये 360 RPM की कैटेगरी में रखा जाता है, 350 से लेके 400 RPM तक की इसमें रखा जाता है। तो ये फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क के बारे में बात थी। अब आगे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखिएगा जो फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क थी जो बहुत पहले यूज की जाती थी, जो 1.44 MB, आप भी देख रहे होंगे कि 1.44 MB, 1.25 MB, ये इतना डेटा है कि आज प्रेजेंट टाइम में तो ये बिल्कुल इनफ नहीं है, क्योंकि आज तो इतने में तो ये गाना भी नहीं आता है,
क्योंकि ये साइज़ जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है डेटा बढ़ रहा है, डेटा बढ़ रहा है तो उसकी यूजर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है डेटा को स्टोर करने के लिए, तो इसलिए फ्लॉपी डिस्क का चलन बंद हो चुका था। देखिए उस टाइम पे देखिए फ्लॉपी डिस्क थी, उस फ्लॉपी डिस्क का चलन कम हुआ था, लेकिन इसका अल्टरनेट जो था वो एक डिस्क और आई थी जिसका नाम था बर्नौली डिस्क। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बर्नौली डिस्क के ऑप्शन में आ जाता है, तो देखिए बर्नौली डिस्क भी आपकी मैग्नेटिक डिस्क ही होती है, इसका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का ही अल्टरनेटिव वो ऑप्शन था, इसको बनाया गया था उसके अंदर। ये थोड़ी जो बनाई गई थी उसकी आरपीएम भी बहुत ज़्यादा थी और उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो आपकी 5 से 10, 20, 30 MB तक वो उसमें डेटा स्टोर किया जाता था। बर्नौली डिस्क बनाने के बाद में भी जैसे टाइम बीतता गया तो यूज़र की आवश्यकता और बढ़ती गई, तो उसके बाद में ही आपकी जिप डिस्क, जो आपने नाम सुना होगा जिप डिस्क थी, जो जिप डिस्क थी वो आपकी 250 से लेकर 750 MB तक डेटा स्टोर कर सकती थी, तो वो भी आपका इसी फ्लॉपी डिस्क का ही अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाला गया था। फ्लॉपी डिस्क का अल्टरनेट सॉल्यूशन था आपका बर्नौली डिस्क, बर्नौली डिस्क को फिर आगे बढ़ा के उसने जिप डिस्क निकाली जो आपकी 250 से लेकर 750 MB तक डेटा स्टोर किया जा सकता था। तो ये और जरूर ध्यान रखना, ये भी मैग्नेटिक डिस्क की कैटेगरी में आती है आपकी बर्नौली डिस्क, और आपकी आती है कि जिप डिस्क आती है, तो आपकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, एक बर्नौली डिस्क और एक जिप डिस्क, ये आपकी मैग्नेट डिस्क की कैटेगरी में आती है। तो ये यहाँ पे मैग्नेट डिस्क के बारे में जो बातें थी मैंने आपको बताई थी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखिए कि मैग्नेटिक टैप के बारे में मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक टैप के अंदर आपकी जो उसकी जो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था, उसकी जो बनावट होती है उसके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन बनती है बताए थे। हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के बारे में बता दी, फ्लॉपी डिस्क के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क, जिसके अंदर आपकी सीडी, डीवीडी, वीडी और एक एचवीडी आती है, उनके बारे में थोड़ा मैं बता दूं आपको कि देखिए कि ऑप्टिकल डिस्क में पहले आती है सीडी। सीडी के बारे में बात करें तो सीडी के बारे में कि सीडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। सीडी के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सीडी होती है मार्केट में दो तरीके से अवेलेबल होती है, जिसके अंदर एक तो आती है सीडी आर और एक आती है सीडी आर डब्ल्यू। एक तो होती है सीडी आर और एक होती है सीडी आर डब्ल्यू। एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि सीडी आर और सीडी आर डब्ल्यू फुल फॉर्म क्या होती है, तो सीडी आर होता है, उस सीडी आर की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, इसको हम इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, और सी डी आर डब्ल्यू की होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट या री राइटेबल, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? दोनों में बेसिक डिफरेंस यह है कि सी डी आर होती है उसको हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। यानी उसमें अगर आपने एक बार डेटा डाल दिया, डालने के बाद में उस डेटा को हम रीड कर सकते हैं, दोबारा उस डेटा को उठा के नए डेटा हम नहीं डाल सकते, ये होती है सी डी आर डब्ल्यू। सी डी आर डब्ल्यू होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट या री राइटेबल बोलते हैं इसको। री राइटेबल का मतलब ये है तो इसको दोबारा हम राइट कर सकते हैं, डेटा को डालने के बाद दोबारा उस डेटा को हटा के नए डेटा हम डाल सकते हैं, तो ये होती है री राइटेबल होती है। ठीक है, आगे हम बात करें तो एक क्वेश्चन और बनता है कि सी डी की कैपेसिटी कितनी होती है, तो वैसे सी डी की कैपेसिटी वैसे 750 MB तक, यानी 700 MB तक इसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है। सीडी होती है वो सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है? 700 MB तक इसकी कैपेसिटी हो जाती है। आगे हम बात करें तो इस सीडी से और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सीडी से और जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें सीडी की साइज़ मैंने बता दी, उसके बाद सीडी की कैपेसिटी थी वो मैंने, सीडी की टाइप्स बता दिए, सीडी की कैपेसिटी बता दी, उसके बाद में एक क्वेश्चन होता है कि सीडी में जो डेटा होता है वो जैसे एक पॉलीमर डाइऑक्साइड से एक पॉलीमर एक लेयर होती है उस पर सीडी पे लगी होती है, उसके ऊपर एक पॉलीमर डाइऑक्साइड जो प्लास्टिक की जो लेयर होती है वो लगी होती है। देखिए सीडी से जो क्वेश्चन बनता है वो कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीडी के अंदर जो डेटा होता है वो, देखिए डिजिटल डिवाइस है तो डिजिटल डिवाइस तो जाहिर सी बात है इसके अंदर डेटा 0101 फॉर्मेट में स्टोर होगा। अब 0101 में डेटा स्टोर होगा तो डेटा को स्टोर करने की एक मैकेनिज्म होती है सीडी के अंदर कि डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, तो 0101 में होता है। तो देखिएगा एक शब्द होते हैं कई बार आ जाता है कि सीडी से रिलेटेड होता है, एक तो होता है पिट और एक होता है लैंड।
पिट और लैंड होता है। देखिए ये दो शब्द होते हैं, इनसे आता है कि पिट और लैंड का संबंध किससे होता है, तो पिट और लैंड होते हैं आपके सीडी से। कि देखिएगा कि लैंड को हम सरफेस के नाम से भी जाना जाता है, कि सीडी होती है उस सीडी के अंदर डेटा जो रीड राइट होता है वो पिट और लैंड के रूप में होता है। कि जो सीडी होती है वो सीडी आपकी प्लेन होती है, उसके अंदर कोई डेटा नहीं होता है तो पूरा आपका सरफेस होता है। जैसे कोई आपकी ऑप्टिकल डिवाइस है तो ऑप्टिकल डिवाइस है तो जाहिर सी बात है इसमें लेजर लाइट्स आएंगे, लेजर लाइट्स होंगी उसके अंदर आपका बर्न करने का मतलब, उसके अंदर आपको डेटा को उसमें सीडी के अंदर आपको बर्न करेगी, खड्डा डाली से पिट बोलते हैं। तो पिट और लैंड क्या होता है कि डेटा 0101 के रूप में फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। वैसे पिट और जीरो, पिट और लैंड का मतलब 0 और 1 नहीं होता है, एक्चुअल के अंदर जो लैंड होती है लैंड को पिट बदलना या पिट को लैंड बदलना, तो वहाँ पे 0 स्टोर हो जाएगा और कुछ चेंजेस नहीं होगी, वहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा। तो 0 1 पिट और लैंड के रूप में सीडी में डेटा स्टोर किए जाते हैं। तो ये सीडी के बारे में बात थी। आगे बात करें तो अगली होती है आपकी डीवीडी। डीवीडी के बारे में बात करें तो डीवीडी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कई बार आपके एग्जाम में ऑप्शन ये ना मिले कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की जगह डिजिटल वीडियो डिस्क मिलता है, तो देखिए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोल दो, डिजिटल वीडियो डिस्क बोल दो, बिल्कुल दोनों सही है। वैसे इसका वर्सेटाइल ही होता है, वीडियो तो जो दिखने वाली सारी जो वीडियो होती है, सीडी डी आपकी वीडी बीडी होती है आपकी एचडी, सारी वीडियो डिस्क होती है। तो दोनों आपके ऑप्शन सही है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे कि सीडी डीवीडी इनकी डीवीडी फुल फॉर्म पूछे, तो मैंने ये बताया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोल दो या डिजिटल वीडियो डिस्क बोल दो, दोनों सही है। आगे बात करें तो जो डीवीडी होती है वो डीवीडी की कैपेसिटी कितनी होती है, तो डीवीडी कई तरीके से आती है। तो डीवीडी की जो कैपेसिटी होती है वो आपकी कई तरीके से आती है। इसमें देखिएगा कि आपकी डीवीडी होती है वो होती है सिंगल साइड सिंगल लेयर, सिंगल साइड डबल लेयर, डबल साइड सिंगल लेयर, डबल साइड डबल लेयर, इस प्रकार से कई आती है। लेकिन मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन बता डीवीडी की जो मिनिमम कैपेसिटी होती है 4.7 GB तक होती है, और अत्यंत की भी कैपेसिटी होती है वो 17 GB तक डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है। तो देखिए सीडी में लगभग 700 MB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, डीवीडी के अंदर हम 4.7 GB से लेकर 17 GB तक का डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करें तो अगली जो अपनी जो डिवाइस होती है जो ऑप्टिकल डिवाइस होती है अगली, जिसका नाम होता है बीडी, जैसे बोलते हैं बीडी, बीडी की फुल फॉर्म होती है ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क, इसे बोलते हैं ब्लू रे डिस्क बोलते हैं। देखिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में से एक है ब्लू रे डिस्क। इसका जो प्रयोग होता है, जो आजकल ये जो वीडियोग्राफर जो शूटिंग वगैरह करते हैं शादियों के अंदर, इनके अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि बीडी होती है, उस बीडी के अंदर हम 25 से लेकर 50 GB तक वो भी HD डेटा स्टोर कर सकते हैं, हाई डेफिनेशन डेटा होते हैं वो स्टोर करते हैं। तो HDBT का प्रयोग वहाँ यूज किया जाता है। अगला होता है जिसका नाम होता है HVD। ये भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में कई पूछ ली जाती है। इसका मतलब होता है होलो होलोग्राफिक्स वर्सेटाइल डिस्क, HVD होता है, इसे होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं। तो को CD 700 MB तक, BD होती है DVD 17 GB तक, BD होती है वो 25 से 50 GB तक, HVD होती है वो आपकी 3.9 TB तक का इसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है। वैसे बेसिकली 1.something TB के अंदर आती है वो, मैक्सिमम 3.9 TB तक का इसमें होता है, टीबी तक इसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है एग्जैक्टली। तो इसके अंदर जो अधिकतम तो 3.9 TB तक आता है, लेकिन इसके अंदर जो बेसिकली बाय डिफॉल्ट आता है इसके अंदर 1.9 या 1.5 TB तक, 1 TB तक का डेटा इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। तो ये आपकी होती है HVD। तो CD हुई, DVD हुई, BD हुई और HVD हुई, ये आपकी सारी की सारी ऑप्टिकल डिवाइस होती है। तो इन ऑफ डिवाइस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सारी की सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की कैटेगरी के अंदर आती है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हमने बातें की है कि जिसे मैग्नेटिक टैप था, मैग्नेटिक डिस्क था, ऑप्टिकल डिस्क था, उनके साथ साथ देखिएगा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर एक मेमोरी और आती है जिसका नाम होता है WORM,
जो काफ़ी बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ये भी एक मेमोरी होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है राइट वंस रीड मैनी। ये एक्चुअल के अंदर इसका नाम होता है राइट वंस रीड मैनी, मतलब होता है राइट वंस यानी एक बार इसको राइट किया जाता है, रीड मैनी इसको बार बार इसको रीड किया जाता है। लाइक आपकी जो सी डी आर मैंने जो बताई थी, इसके अंदर एक बार डेटा को राइट करने के बाद में उसको बार बार इसको पढ़ा जाता है, वापिस उसमें डेटा को राइट नहीं किया जा सकता। इसकी कैपेसिटी लगभग 40 GB से लेकर 60 GB तक की कैपेसिटी आती थी पहले ये। तो ये आपकी एक वॉर्म है जिसके बारे वॉर्म मेमोरी है जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी आ सकता है। इसके अलावा देखिएगा और भी बहुत सी मेमोरी होती है, उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय श्री राम। रोल अच्छे होना चाहिए, डेट पहला स्टेप है 1:30 बजे तक, दूसरा स्टेप 3 बजे तक, फिर 4:30-5 बजे तक, फिर रात की 2:11 बजे। वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करनी है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगा ली। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन आरएस प्रॉपर। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक, शानदार ताली और लाउड अप्लॉज। उस पानी में डाले जबरदस्त, उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया और जब 1-2 मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा गुरु जी ये आपने क्या किया, मैं तो क्या पीड़ा और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दूं किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग वो एफर्ट वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे आप क्यों नहीं लक्ष्य हासिल कर सकते। इसके बाद प्रार्थना पत्र के जवान है विनोद जी चौहान का भी, ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी आप पे मैं ले रहा हूँ आपकी विजय के लिए।